नमस्कार, मैं हूँ उपासना। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। नेटफ्लिक्स, टीवीएफ, अमेजॉन, ऑल्ट बालाजी और हॉटस्टार के बाद Z5 भी वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स के मैदान में अब उतर पड़ा है। और इस सारे ट्रेंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि टीवी का जो विकल्प है वो वेब टीवी होने वाला है। कम से कम शहरी इलाकों में तो ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेट डेटा और नेट की जो स्पीड है उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा खुश कर रहे हैं जनता को। अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपने अपने ओरिजिनल्स लेकर आ रहे हैं। ओरिजिनल्स माने तो ऐसा सीरियल या मूवी या कंटेंट जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें बायोग्राफीज बहुत फेमस हो रही हैं, लोगों की फेवरेट बनती जा रही हैं, फिर चाहे वो नार्कोस हो, बोस हो। अब Z5 भी जो है वो ओरिजिनल सीरीज लेकर आया है, और किस पर? तरनजीत कौर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी पर। दर्पण जी ने इसके बारे में पूरी तहकीकात कर ली है, मैं तो ये कहूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर बैठे हैं। तो हमने सोचा क्योंकि इन्हीं से जान लेते हैं कि भाई क्या सीन है। दर्पण जी, इसके बारे में आप बताइए कि क्या है ये सीरीज और ओरिजिनल फिल्म। उपासना, करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी एक Z5 ओरिजिनल सीरीज है। मुख्य भूमिका में सनी लियोनी, राम राज अर्जुन, रियासा सौजानी, करमवीर लांबा, विजय जसजीत आनंद, ग्रुशा कपूर, वंश प्रधान और मार्क बकनर हैं। आदित्य दत्त ने ये डायरेक्ट की है, और ये एक सेंसेशनल ड्रामा है जो सनी लियोनी के इतिहास, परिवार, प्रेमी और पति डैनियल वेबर के बारे में बताता है। अच्छा। और एक वयस्क फिल्म स्टार से लोकप्रिय बॉलीवुड की मुख्य धारा की अभिनेत्री के रूप में उसका परिवर्तन दिखाता है। Z5 डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस बायोपिक ने पूरे इंडिया में खलबली मचा दी है। एक्चुअली मचा रखी है वैसे। और अब इसके बारे में कोई कमेंट करने से मैं तो बचना चाहूंगा, क्योंकि ये खलबली जो है ना बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट सा वर्ड है जी, और इसे मापा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ बातें हैं जैसा आप कह रहे थे जिनको लेकर विवाद उठे थे, और विवाद अच्छे हों या बुरे हों आप एग्री करोगे कि किसी भी ऑडियो विजुअल कंटेंट के लिए फायदेमंद ही होते हैं। सही बात है। और विवाद की आपने बात करी है तो मैं विवाद जानना भी चाहूंगी, वैसे मैं जानती हूँ, बट जो लोग नहीं जानते उनको प्लीज बता दीजिए कि इससे क्या जुड़ा विवाद था। एक देखिए, कंटेंट के बारे में तो विवाद है ही, एक और विवाद ये था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रवक्ता हैं दिलजीत सिंह बेदी ने इस सीरीज के नाम में से कौर हटाने उनका कहना था कि ऐसा ये कौर नाम होना सिक्कों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अच्छा, तो इस फिल्म के बहुत सारे किरदारों के नाम भी आपने अभी बताए है ना, सब गिना दिए हैं, तो जो जिसको याद रहा होगा। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इन किरदारों ने किस तरीके की एक्टिंग करी है इस बायोपिक में। देखिए, इस सीरीज में एडल्ट सनी लियोनी का किरदार खुद सनी लियोनी ने निभाया है। बाकी के एक्टर्स और निर्देशक की जानकारी Z5 के डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही मिल जाती है, और मैंने भी एक्टर्स के बारे में बता दिया। सबने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन किसी ने भी उत्कृष्ट एक्टिंग, ऑसम एक्टिंग की हो ऐसा नहीं है। एक इंटेंस फैमिली ड्रामा होने के बावजूद पूरे सीजन में जगह जगह कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स हैं जिसे ह्यूमर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको बोर होने से बचा देते हैं। फिर जैसे डॉक्यूमेंट्री चलती है आप इसको देखकर जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। ओके ओके। और सनी की फैमिली को भी इसमें अच्छे से दिखाया हुआ है कि उनके परिवार में मम्मी पापा भाई और उनका रिलेशन कैसा है, तो वो कैसे दिखाया? बेसिकली ये सनी की फैमिली के बारे में ही है। सनी की फैमिली में कुल 4 लोग हैं, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई। पंजाबी फैमिली के हिसाब से बहुत ज़्यादा लिबरल लगते हैं, लेकिन फिर भी US के मानकों के हिसाब से ये जो लिबर्टी है, लिबरलनेस है, कम पड़ जाती है, खास तौर पर अगर बेटी ऑब्वियसली पॉर्न स्टार हो तो। ये सीरीज धर्म ईश्वर के मुद्दे को उठाती है, लेकिन वही बात कि इसे देखकर आप कैरिड अवे नहीं होते, ना पक्ष में कैरिड अवे होते हैं ना विपक्ष में। इसे निर्देशक और टीम की सफलता के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें स्त्री विमर्श या होमोसेक्सुअलिटी को भी क्लेरिफाई नहीं किया गया है मोमेंट, जैसे मैंने पहले कहा था, एक कॉमर्शियल फिल्म में जितनी जेंडर इक्वेलिटी या होमोसेक्सुअलिटी या LGBTQ के बारे में चीज़ें डाली जा सकती हैं जितनी संभव थी उतनी हैं। अच्छा। सनी का अपने पिता और अपने भाई के साथ एक प्यारा रिलेशन दिखाया गया है, लेकिन इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता था। अच्छा, मतलब वो इतना ज्यादा इलैबोरेटिव नहीं है। इलैबोरेटिव नहीं है। अच्छा, अच्छा। स्त्री विमर्श को लेकर ये एक सशक्त
हस्ताक्षर हो सकती थी, जैसे ऑल्ट बालाजी के टेस्ट केस जो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस वो थी, पर है नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि निर्देशक और सीरीज से जुड़े हुए लोगों का निर्णय था कि वो इसे कैसे ट्रीट करें, तो ये लास्ट कंसर्न तो उन्हीं का होता है। अच्छा, देख के ना इसको ऐसा लग रहा है जैसे संजय दत्त की बायोपिक आई तो उनकी भी इमेज बिल्डिंग थी, इमेज सुधरेगी ऐसी भी बातें हो रही थी, तो क्या ये बायोपिक भी वैसी ही है कि सनी लियोनी की इमेज को रीबिल्ड कर रही हो या फिर सुधारे, इस तरीके की फीलिंग है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक ये सनी के उजले पक्ष को ही दिखाती है। अच्छा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, लेकिन ऐसा है जरूर। और वैसे भी यदि किसी बायोग्राफी में खुद वो बंदा या बंदी भी इन्वॉल्व हो जिसकी बायोग्राफी बनाई जा रही है तो ऑब्वियस है कि इतनी बाउंडेशन तो रहेगी ही। संजय दत्त ने संजू को लेकर कहा था, एक विवादित बयान था, कि कोई डायरेक्टर किसी की इमेज को सुधारने के लिए क्यों ही करोड़ों रुपए दांव पर लगाएगा। अब ये कथन इन फर्स्ट ग्लिम्स प्रथम दृष्टया तो तार्किक लगता है, लॉजिकल लगता है, लेकिन है नहीं। आजकल इमेज बिल्डिंग में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, है ना। लेकिन संजू और करणजीत कौर के बारे में ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात नहीं है। ये दरअसल ऐसा ही है कि कंट्रोवर्शियल फिगर के लिए आप अगर बायोग्राफी बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो प्रोजेक्ट खुद ब खुद एक कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है। अच्छा। रिस्क से घट के कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है क्योंकि बज रहता है। साथ ही ऐसी बायोग्राफिकल फिल्म में जो सबसे पहले नाराजगी जताएगा उसको तो आपने अपने पक्ष में कर लिया, तो वो एक चीज़ हो गई। हाँ, बेशक आपको कुछ फैक्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और इसमें पड़ा, लेकिन अंततः यह सौदा जो होता है विन विन होता है, फायदे का होता है। सही बात है। तो आपने जैसे काफ़ी क्रिटिसाइज मतलब अपने शब्दों में कर दिया है, तो इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी तो होंगे। काफ़ी ढेर सारे इनफैक्ट प्लस पॉइंट हैं, कुछ सोशल कॉज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनको लेकर सीरीज गाहे बगाहे मुखरित होती है और इन्हें बड़े अच्छी तरह से रखती है। बेशक जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, सतही तौर पर ही उसको कंप्लीट करती है क्योंकि केवल 10 एपिसोड्स हैं, वो भी 20 से 22 मिनट के, तो कितना ही कर पाएगी। जैसे कि सीरीज का ताना बाना एक सनी के एक कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू के इर्द गिर्द बुना गया है। पूरी सीरीज के दौरान ये इंटरव्यू चलता रहता है। अच्छा, वो वाला जो काफी विवादित भी रहा था एक जमाने में। जी, तो पूरी सीरीज के दौरान ये इंटरव्यू चलता रहता है जिसका कई बार सनी या तो जवाब देती है, जैसे क्वेश्चन पूछा जवाब देती है, और कई बार जवाब के रूप में कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जिस रियल इंसिडेंट से ये वाला पार्ट इंस्पायर्ड है उसे आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, सर्च करके रियल इंसिडेंट वगैरह। दूसरा, डैनियल यानी सनी का पति जब उससे पूछता है कि इस फील्ड में आने का कारण क्या था या क्या मजबूरियाँ रही थी, तो सनी बड़ी खूबसूरती से कोई भी मजबूरी का ना होना जस्टिफाई करती है। पहले तो कहती है मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, और उसको जस्टिफाई भी करती है। हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है, हर कोई ये सोचता है कि बचपन में शायद बहुत बुरा हुआ, फैमिली गलत तरीके से ट्रीट करती थी, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। तो सनी मना करते हुए कहती है कि ये स्टार्ट बेशक फाइनेंशियल इश्यूज के चलते हुआ, और मैंने सबसे पहले जो जॉब ऑफर की गई थी उस ऑफर को चुना, लेकिन उसके बाद मैंने इसे अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया, मेरे पास कई ऑप्शन अवेलेबल थे। और शायद ये वाली बात उन्होंने इंटरव्यू में भी बोली थी। जी हाँ बिल्कुल। वो बताती है कि बेशक मैं वापस लौट सकती थी, लेकिन आगे बढ़ते जाना मेरी चॉइस थी। हर कोई आगे बढ़ते रहना चाहता है, और इंटरव्यूअर से भी वो कहती है जैसे आप पहले किसी पत्रिका में लिखते थे और आज एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो साइकोलॉजी की जैसे आपने बात की, तो उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मतलब थोड़ा सा और बताओ कि इसमें साइकोलॉजिकली क्या वहाँ डील किया गया है। देखिए, साइकोलॉजी की बात करें तो यूँ तो सनी की फैमिली बहुत हद तक लिबरल थी जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन फिर भी इंडियन वैल्यूज़ की दुहाई देकर उसके माता पिता उसे वो काम नहीं करने देते थे जो अन्यथा बड़े मतलब नॉर्मल थे यूएस के हिसाब से, जैसे शॉर्ट ड्रेस पहनना, लिव इन में रहना या बॉयफ्रेंड बनाना। अच्छा। तो यूँ हालांकि फिल्म में जाहिर तौर पर इसको नहीं दिखाया गया है, सनी एक तरह से बागी हो गई थी और दो छोरों में एक्सट्रीम्स में जीने लग गई थी। अच्छा। है ना, एक जो अमेरिका के हिसाब से बहुत ही रूढ़िवादी और पिछड़ा था, और दूसरा इसी का अल्टर ईगो जो पश्चिमी देशों के हिसाब से भी एक्सट्रीम था। जिसके चलते उसकी सबसे अच्छी कैनेडियन दोस्त तक उससे मुंह फेर लेती है। मतलब इसी कारण कि वो उसने ये वाला चुन लिया है। हाँ हाँ, ये वाला उसकी मतलब जो कनाडा मूल की जो फ्रेंड थी वो तक उससे मुंह फेर लेती है कि यू कैरी ऑन विद योर वर्क एंड दिस। अच्छा, इस तरीके अच्छा, से अच्छा। अब एक डायलॉग देखिए, जब माँ पूछती है कि सनी बड़े होकर क्या बनोगी, सनी जवाब देती है कि वो नर्स बनेगी, तो माँ ताने मारती है मतलब हर सूरत में तूने स्कर्ट ही पहननी है। तो इस तरीके के उसमें डायलॉग्स हैं, जिससे कि सीरीज में यदि कोई पूरे मार्क्स बटोर के ले जाता है तो वह सनी के भाई का किरदार। अच्छा। एक्टिंग वाइज
भी उसको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो किरदार बुना गया है, क्योंकि जो भाई कम बी जो भाई कम लगता है और BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ज्यादा लगता है। सनी नाम भी वो अपने भाई के नाम पे रखती है। अच्छा हाँ, उनका क्या नाम होता है? कि भाई का नाम सनी होता है, उनका नाम करण जी तो फिल्म का नाम है। नाम जी हाँ जी हाँ। तो अच्छा, मतलब उन्होंने अपने भाई का नाम अडॉप्ट किया, तो उनके भाई का रियल नेम क्या है? उनके भाई का नाम संदीप सिंह वोहरा है। अच्छा। रियल नेम, और उनका जो मोबाइल में नेम सेव किया था उन्होंने, तो सनी नाम से सेव किया था अपने भाई का। जो कॉल आता है सनी का, तो उस नाम से ही वो आगे अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है वो शुरू करती हैं। और ऐसा किसी एक इंसिडेंट के माध्यम से नहीं लगता, जो उनके रिलेशन है, जो उनकी बॉन्डिंग है, पूरी सीरीज में ऐसा दिखता रहता है। इसीलिए तो आश्चर्य में पड़कर जब पत्रकार चौबे सनी से पूछते हैं कि आपका भाई आपको सपोर्ट कर रहा था, जबकि भाई तो ऑनर किलिंग तक कर देते हैं, तो इस सबसे भी पता चलता है। तो ये तो भाई और बहन का रिलेशन हो गया। अब पिता और बेटी की बात करें, तो पिता का अपनी बेटी के प्रति प्रेम उसके कामों से हुई नफरत से जीत जाता है, जब वो कहता है कि लोगों के लिए होगी सनी लियोनी, मेरे लिए तो करणजीत कौर ही है। ओके ओके, तो काफ़ी इसका मतलब रियलिटी आपको देखने को मिलेगी, इमोशंस और सब कुछ इसमें पावर पैक टाइप का रहेगा। अच्छा, तो अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो ललन टॉप के पेज को आप लाइक करिएगा फेसबुक पे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।